हे गाइस, वेलकम टू वॉच बिफोर यू बाय। आज के जो प्रोडक्ट्स मैं लेकर आई हूँ वो एक दो नहीं है बल्कि तीन प्रोडक्ट्स हैं। आज इन तीनों प्रोडक्ट्स का हम कंपैरिजन वीडियो करेंगे। पहला जो प्रोडक्ट्स है वो है लीवर आयुष का एंटी कैविटी क्लोव ऑयल टूथपेस्ट, और दूसरा है पतंजलि का वर्ल्ड फेमस दंत कांति टूथपेस्ट, और तीसरा है कोलगेट का न्यूली लॉन्च्ड स्वर्ण वेद शक्ति टूथपेस्ट। इन तीनों ही टूथपेस्ट का हम कंपैरिजन वीडियो आज रिव्यू करेंगे। ये तीनों ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर्बल हैं, क्योंकि आजकल हर्बल 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 का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है। सबसे पहले ये ट्रेंड पतंजलि ने सेट किया था दंत कांति नेचुरल निकाल के, उसके बाद जो है वो लीवर आयुष आ गया, फिर कोलगेट आ गया। तो ये होड़ मची हुई है इन तीनों में कि कौन सा सबसे अच्छा है। तो मैंने ये तीनों को यूज़ किया है और आज आपके साथ शेयर करूँगी अपने एक्सपीरियंसेस कि कौन सा मुझे अच्छा लगा है, कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इनके क्लेम्स की कि किस टूथपेस्ट ने क्या क्या क्लेम किए हैं। तो सबसे पहले लीवर आयुष को ले लेते हैं। लीवर आयुष में इन्होंने लिखा है एंटी कैविटी क्लोव ऑयल टूथपेस्ट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ हेल्दी गम्स विद क्लोव ऑयल एंड दसना कंठी चूर्णम। तो इस टूथपेस्ट का जो मेन की इंग्रेडिएंट्स है वो है क्लोव ऑयल। इन्होंने क्लोव पे ज़्यादा फोकस किया है। क्लोव दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लॉन्ग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। दूसरा लेते हैं दंत कांति, इसका क्या क्लेम है। पतंजलि दंत कांति नेचुरल, इसमें और कई सारे और भी वेरिएंट्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं मार्केट में, अवेलेबल हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं अगर आपको पतंजलि के साथ जाना है तो। पतंजलि का क्लेम है गम्स को टाइटन्स करता है, फाइट्स जर्म्स, जर्म्स के साथ फाइट करता है, गिव अ लॉन्ग लाइफ टू टीथ। ओके, इसके जो क्लेम्स हैं वो एकदम नॉर्मल से हैं, कुछ ज़्यादा हाई फाई फंडा इसने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि इसके और भी कई सारे वेरिएंट्स आते हैं तो उनमें अलग अलग कैटेगरी में वो सब क्लेम्स इसने किए हैं। बट ये एक सिंपल सा हर्बल जो है पतंजलि का दंत कांति नेचुरल टूथपेस्ट है, कुछ ज़्यादा इस पर मेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लेम्स भी नहीं है इसके साथ। और जो थर्ड वन है वो है हमारे फेमस ब्रांड कोलगेट का, जिन्होंने निकाला है स्वर्णा वेद शक्ति क्रिएटेड विद आयुर्वेदिक एक्सपर्टाइज, और नीचे लिखा है स्ट्रेंथनिंग फ्रेशनेस एंटी जर्म मसाज एंड गम केयर। इसने भी कुछ ज़्यादा क्लेम्स नहीं किए हैं कि ये करेगा वो करेगा, बस एक हर्बल सा टूथपेस्ट है, बहुत ज़्यादा क्लेम्स के साथ नहीं आता है। ये नॉर्मल से क्लेम रखे हैं, स्ट्रेंथ करता है गम्स को, एंटी जर्म्स है, मसाज भी करता है वगैरह वगैरह। इन तीनों ही टूथपेस्ट में जो एक कॉमन चीज़ है वो ये कि इन तीनों ही टूथपेस्ट में लौंग का यूज़ किया गया है। सबने लौंग को ऐसे जैसे वैसे कुछ ना कुछ किसी ना किसी ढंग में डाला ही है। आप देख सकते हो सब में लौंग्स की पिक्चर बनी हुई है। लौंग क्योंकि दांतों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में, इसके लिए लौंग को ऐड किया हुआ है सब ने। अब बात करते हैं इनकी क्वांटिटी की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है प्राइसिंग का, कि ये सब किस प्राइस रेंज में आते हैं और किस बजट में फिट बैठते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं कोलगेट को, इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम की, और जो प्राइस हम पे करते हैं वो है 55 रुपीज़। जैसा कि आप देख सकते हो पहले ये 60 का था लेकिन अभी 5 रुपये कट करके इसको 55 का बना दिया है। अभी देखते हैं दूसरे टूथपेस्ट को जो कि है लीवर आयुष का। लीवर आयुष का जो टूथपेस्ट है वो है 80 ग्राम इसकी क्वांटिटी, और जो प्राइस हम पे करते हैं वो है 50 रुपीज़। कोलगेट से जो इसकी प्राइस है वो 5 रुपये कम है, और जो क्वांटिटी भी है वो 20 ग्राम कम दी गई है। तो दोनों इक्वल ही लग रहे हैं मुझे, कुछ दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा प्राइसिंग और क्वांटिटी में। 5 रुपये ज़्यादा कर देते तो 100 ग्राम मिल जाता था, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं दंत कांति की, पतंजलि का, इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम की, और जो प्राइस हमने पे की है वो है 40 इंडियन रुपीज़। कोलगेट से जो है वो 15 रुपये कम है, और लीवर आयुष से इसकी प्राइसिंग जो है वो 10 रुपये कम है। पैकेजिंग की बात करूँ तो सबकी सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, किसी का स्टडी है मटेरियल तो किसी का थोड़ा कम, लेकिन एक ही जैसे हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है तीनों में ही। अब डालते हैं नज़र इनके इंग्रेडिएंट्स पर, ये रहे पतंजलि के जो नेचुरल दंत कांति है उसके इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद बात करते हैं आयुष के, लीवर आयुष के इंग्रेडिएंट्स की। ओके, ये रहे लीवर आयुष के इंग्रेडिएंट्स, और सबसे लास्ट में हैं कोलगेट के इंग्रेडिएंट्स।
जो कि काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, सबसे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कोलगेट के, उसके बाद पतंजलि के, और उसके बाद आयुष के थोड़े से पता नहीं अच्छे से दिख नहीं रहे हैं। तीनों ही टूथपेस्ट जो हैं वो वेजिटेरियन हैं, यहाँ पे लिखा भी है 100% वेजिटेरियन, और सबके ऊपर ये ग्रीन कलर का लोगो भी बना है, जिसका मतलब है कि इसमें कुछ भी नॉन वेज टाइप चीज़ का कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। अब निकालते हैं इनकी पैकेजिंग और देखते हैं ये एक्चुअल में देखने में कैसे हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैंने इन तीनों को यूज़ कर लिया है, आप देख सकते हो। ये आयुष का तो मैंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, ये मैंने सबसे पहले यूज़ किया था। एक्चुअली मैं दंत कांति यूज़र हूँ काफ़ी लंबे टाइम से, आई थिंक 2-3 साल हो गए हैं मैं ये वाला टूथपेस्ट ट्राई करती हूँ हर रोज़, लेकिन जब से ये आया है तो मेरा बड़ा मन था इनको भी यूज़ करूँ, तो मैंने ये ख़त्म कर दिया है। ये मैंने थोड़ा सा ख़त्म कर दिया है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया, आप देख सकते हो। एक्चुअल प्रोडक्ट का जो वो है फिज़िकल ओवरव्यू, वो तीनों का सेम है, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो इनका क्वालिटी है मटेरियल की वो भी अच्छी है, लीक वीक नहीं होते हैं ये। सबका जो कलर है वो भी सेम ही है, जो एक हर्बल टूथपेस्ट का होता है, ब्राउन टाइप का, कुछ मड टाइप का कुछ फीलिंग आती है। ये देखिए इसका भी सेम है, और ये रहा कोलगेट, इसका भी सेम है, तीनों के तीनों एक ही जैसे कलर में आते हैं, लेकिन टेस्ट में तीनों के डिफरेंस है। सबसे पहले बात करूं कि मैं पतंजलि यूज़र थी, तो मैंने सबसे पहले जब आयुष ट्राई किया तो मुझे कैसा लगा, आयुष जैसे मैंने ट्राई किया तो मुझे थोड़ा सा कड़वापन फील हुआ 1-2 दिन के बाद, लेकिन मैं यूज़ टू हो गई थी, लेकिन 2-3 दिन मुझे थोड़ा सा कड़वापन लगा, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके बाद मैं यूज़ टू हो गई थी तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं हुई। तो फिर उसके बाद मैंने ये यूज़ किया वेद शक्ति, ये भी वैसा ही टेस्ट है इसका, लेकिन इसको यूज़ करके आपको थोड़ी सी ना मिर्ची टाइप फील होती है कि हाँ आपने कुछ मिर्ची जैसा जीभ में आपको फील हो रहा है। इसका भी सेम वही फंडा था, 1-2 दिन यूज़ करने के बाद मैं यूज़ टू हो गई थी, तो अभी कुछ ज़्यादा फील नहीं होता है कि इसमें मिर्ची जैसा मुझे लगता है या नहीं। तो तीनों ही मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने तीनों ही यूज़ किए हैं। मैं इसको यूज़ कर रही थी काफ़ी लंबे टाइम से, तो इसकी वजह से इनके टेस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज़ तीनों के तीनों ही टेस्ट में अच्छे हैं, जैसे एक नॉर्मल टूथपेस्ट होता है वैसे। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए और कौन सा नहीं ख़रीदना चाहिए। तो टूथपेस्ट तो एक ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट दिन में 2 बार यूज़ करते हैं, तो ये जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर ये तीनों में मैं जैसे मैंने बताया कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप तीनों को यूज़ कर सकते हो, 1 बाय 1 आप ट्राई कर सकते हो, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। और अगर आप ट्राई नहीं करना चाहते तो ये भी बेस्ट है, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इन दोनों को ट्राई करके देख सकते हो, मे बी आपको अच्छा लगे। और टीथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो तो मुझे कुछ खास इम्पैक्ट लगा नहीं, जैसा दंत कांति था पतंजलि का वैसे ही ये दोनों भी मुझे दे रहे हैं बेनिफिट्स, कुछ खास मैंने फील नहीं किया। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस इन तीनों टूथपेस्ट के साथ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।